सरदारपुर आदमखोर तेंदुआ धराया। विगत 22 फरवरी को अजमेरा क्षेत्र के निकट ग्राम पिपलिया के रहने वाले परिवार अपने खेत पर फसल की रखवाली हेतु सोया था। इस दौरान एक तेंदुआ परिवार के साथ वर्षीय बच्चे को उठाकर ले गया व अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चलाते हुए इंदौर के राला मंडल क्षेत्र से स्पेशल रेस्क्यू दल बुलवाकर घटनास्थल सहित एक अन्य जगह पिंजरे लगवाए व 4 दिनों के बाद आज सुबह करीब 4 बजे उक्त तेंदुए को पिंजरे में घुसा। वन विभाग द्वारा उक्त तेंदुओं को पकड़ने में मिली सफलता की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए थे। वन विभाग के अनुसार पकड़ाया तेंदुआ मादा बताया जा रहा है तथा इसकी उम्र लगभग 8 वर्ष बताई जा रही है। वहीं तेंदुओं को सुरक्षित स्थान पर छोड़े जाने को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों व वन विभाग के मार्गदर्शन में निर्णय लिया जाएगा। जगदीश मारू सरदार 22 तारीख की रात की घटना थी। हमारे जो ये अभी हम घटना स्थल पर खड़े हैं जहाँ पे 22 तारीख की रात में एक परिवार यहाँ पे जो सोया हुआ था, इस परिवार के साथ में 2-3 बच्चे थे, उसमें से एक बच्चे को तेंदुए ने उठाकर उसका शिकार कर लिया था। उसके तत्काल बाद हमने जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है उनसे डिमांड की थी कि हमें इंदौर की जो रेस्क्यू टीम है वाइल्ड लाइफ अपना राला मंडल रेस्क्यू टीम, उसको बुलाने के लिए हमने रिक्वेस्ट किया था। वो टीम आई यहाँ पे, लगातार सर्चिंग करती रही और सर्चिंग के बाद में आज रात की 4 बजे तेंदुआ हमारी गिरफ्त में आ गया और अभी हमारे साथ में है। और उसको अब हमने हमारे वरिष्ठों से निर्देश प्राप्त किए हैं कि इसको अब कहाँ पे आगे की कार्रवाई क्या किया जाना है और कहाँ पे इसको छोड़ना है। इस दौरान क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा? 3-4 दिन तक जाए सर्चिंग अभियान चलाया, क्या उसमें दिक्कतें आई? देखिए, तेंदुआ ऐसा है कि उसका कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन या कोई एक पॉइंट नहीं रहता है। उसको ढूंढने के लिए हमको मतलब काफ़ी पूरा बड़े लेवल पे एक एरिया पूरा जो रहता है आसपास का, उस पूरे एरिया में हमको सर्चिंग करना होती है और ऐसा बहुत ज़्यादा हम अनुमान नहीं लगा सकते कि वो एक ही जगह पे हमको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी होपफुली हमको मतलब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो हम यहाँ पे अभी खड़े हैं, हमें एक उम्मीद थी कि ये तेंदुआ यहाँ का शिकार के लिए हो सकता है यहाँ पे फिर से आए और वो पिंजरे में रात में आ गया और गिरफ्त में हमारी पूरी तरह से आ चुका है। तेंदुओं की संख्या अभी एक ही है क्या, एक से अधिक है, कितने क्या क्षेत्र में है अभी? नहीं, तेंदुओं की संख्या देखिए, हर जो कॉर्निवर एनिमल रहते हैं वो अपना एक टेरिटरी रहता है उसका, चाहे वो टाइगर हो चाहे लेपर्ड। तो लेपर्ड तो यहाँ पे और भी हो सकते हैं और हर 15-20 किलोमीटर की रेंज में अलग अलग तेंदुए रहते हैं, हो सकता संख्या यहाँ पे और भी होगी तेंदुए की। अभी इसमें और आगे और क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? देखिए, आगे तो अब क्या है कि अब क्योंकि शेड्यूल 1 का एनिमल है तो हमें भोपाल से निर्देश प्राप्त होंगे कि इसको कहाँ पे छोड़ा जाना है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे आधे घंटे में। अभी हमने वेटनरियंस को भी बुलाया, वेटनरी डॉक्टर्स को, वो डिसाइड करेंगे कि अभी ये जो तेंदुआ है पूरी तरह से हेल्दी है या नहीं है या कोई इंजुरी है, सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद में हम उसको आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी अभियान जारी रहेगा कि नहीं? अभी ये जो घटना, इस घटना से संबंधित ये अभियान तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे पूर्ण हो चुका है। अब इसको हम बस इसको आकतों का सामना बहुत करना पड़ा, पूरा जंगल की सर्चिंग करना पड़ी। 5-6 किलोमीटर का एरिया पूरा 2 दिन तक पूरा देखा, अगर पथरीला क्षेत्र होने से कोई पगमार्क तो उसके ट्रेस हुए नहीं, कुछ उसकी पुरानी निष्ठा मिली है उसके आधार पे हमने पिंजरे सेट किए गए हैं। तो एक पिंजरा यहाँ पर सेट किया था और कल एक पिंजरा दूसरे नीचे की तरफ, मतलब यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फिर जिसमें ये आज खेल हुआ। अभी इसको और आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी इसमें? अब जैसे वरिष्ठ से निर्देश मिलेंगे वैसे कार्रवाई होगी। क्या उम्र होगी? कितने इसकी? लगभग 4 वर्ष। हरिया माता, ये माता भैया।